ब्रिज भी बनाया गया यहाँ पे, देख सकते हैं आप। Hey, welcome back to the new edition of Blog Bhaiya. So what I am doing today? Today I am traveling from Kolkata Airport to Shillong Umra Airport. These two important points I am sharing with you. One is I got a very discounted ticket and the price is very cheap. That also I will mention in this video. And the another point, after reaching Umra Airport or Shillong Airport, from there how to go to the main city. That also I will give you all the information in this video. So stay tuned, don't go anywhere. Hey everyone, तो मैं अभी निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे यहाँ से कुछ वक्त लगेगा पैदल जाने के लिए बस स्टैंड तक। बस स्टैंड से मैं जाऊँगा क्योंकि बस सर्विस कोलकाता में सबसे बेस्ट सर्विस है, बहुत चीपेस्ट है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। और दूसरे में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल मुझे इंडिगो की तरफ से एक मैसेज मिला था जिसमें मेंशन किया गया था कि मुझे 2.5 आवर पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सिक्योरिटी का कंसल्ट है। 15 अगस्त अभी गया है तो चेकिंग वगैरह वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ है। तो होल नाइट मैंने सोया नहीं, तो मुझे आज पहुंचना है टाइम पे, तो इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग अभी 5 बज रहे हैं मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए। बस स्टैंड जाऊँगा, बस से मैं एयरपोर्ट पहुँचूँगा। अगर आप कोलकाता में कहीं में भी है तो आपके यहाँ में आप देख लीजिए आसपास में बस सर्विस होगा, बस सर्विस यूज़ कीजिए। ये वन ऑफ द चीपेस्ट है कोलकाता में और अच्छा कनेक्टिविटी है। 5 बज रहा है, लोग धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे और हम भी निकल पड़े हैं। रोड देख सकते हैं आप पूरा एम्प्टी है और कुछ। हे एवरीवन, तो क्या हुआ, सवेरे सवेरे मैं निकल गया था बस स्टैंड में, लेकिन यहाँ का कोलकाता में एयरपोर्ट के लिए स्पेशली कुछ एरिया में 8 बजे से बस सर्विस शुरू होता है मेनली एयरपोर्ट के लिए। लेकिन आप ब्रेक करके जा सकते हैं अगर बहुत सारा बस सर्विस दिया जाता है कि आपको उल्टा टांगा उसके आसपास में छोड़ देंगे, फिर वहाँ से आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने मुझे लगा कि ये करने से बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो मैंने एक काम के फट से एक बाहर निकल गया बस स्टैंड से। मतलब बाहर निकलने के बाद तो मुझे एक स्विफ्ट डिज़ायर मिल गया, तो मैंने उनसे बात उत करके 400 रुपये में कन्विंस कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो भाई साहब मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो लगभग यहाँ से आपका 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में है। सही, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 25 किलोमीटर। अच्छा मैंने गलती बोला, लगभग 25 किलोमीटर। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये पाटोली का एरिया है, आप बोल सकते हैं बाईपास का एरिया है। किस तरह से सजाया गया इस एरिया को आप देख सकते हैं, जाते एयरपोर्ट जाने के रोड में आपको ये एरिया भी मिलेगा। डिपेंड्स करता है आप कौन सा एरिया से आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सजाया गया है पूरा एरिया को, ये मॉर्निंग आवर ऐसा दिखता है। देखिए आप हावड़ा, मिनी हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। कोलकाता को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया है। तो अब देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेट रोड है, सीधा बाईपास है, ये बाईपास के थ्रू से हम लोग पहुँच जाएंगे, तो बहुत जल्द पहुँच जाएंगे हम लोग। और भाई साहब देखिए चला रहे हैं साइकिल, बढ़िया है, सारे अपने अपने काम में चले गए, हम भी चल रहे हैं काम में। तो सुबह
लगभग हमने हाफ किलोमीटर मतलब हाफ ट्रैवलिंग कर चुके हैं एयरपोर्ट, और अभी यहाँ से 13 किलोमीटर के करीब में है। तो अब जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट की तरफ में, लगभग 13 किलोमीटर है यहाँ से। अब देख सकते हैं एयरपोर्ट हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग, अब एयरपोर्ट का मतलब बहुत ही करीब है। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारा लगेज का स्कैनिंग भी हो चुका है और मुझे बोर्डिंग पास भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो वन एंड हाफ एन आवर के करीब में लगभग आपको लगेगा मैं मेघालय शिलोंग एयरपोर्ट के लिए, उमरे एयरपोर्ट के लिए। तो उमरे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ में क्या सर्विस अवेलेबल है उसके बारे में भी मैं डिटेल्स में दूंगा वीडियो में। वहाँ पे दो सर्विस है, आप लोकल कुछ गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, वहाँ से आप सिटी जा सकते हैं, और अगर आपको पैसा सेव करना है तो चीपेस्ट वे भी एक तरीका है, मैं उसके बारे में भी सारा डिटेल्स दूंगा आफ्टर रीचिंग उमरे। साढ़े 11 बजे मैं शिलोंग उतर जाऊंगा उमरे, उमरे से वहां से मैं आपको रिमेनिंग जो भी अपडेट है मैं आपको दे दूंगा। टिल देन आपको स्टे ट्यून्ड। फाइनली मैं एंट्री ले चुका हूं फ्लाइट के अंदर, और फ्लाइट बहुत ही छोटा है बाकी एज़ कम्पेयर टू लाइक आप गुवाहाटी ट्रैवल करेंगे तो उस फ्लाइट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ का ये जो फ्लाइट है बहुत ही छोटा है। और यहाँ मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शिलोंग एयरपोर्ट, और अब यहां मैं यहां पे बहुत सारा व्हीकल देख सकते हैं, ये सब टूरिस्ट व्हीकल। अब इस व्हीकल लेके आप जा सकते हैं सिटी में जिसमें आपको 1000 टू 1500 कॉस्ट के अराउंड आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्लानिंग किया कि मैं पहले आया हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अभी ऐसे ही बाई वॉकिंग जाऊँगा मैं लगभग 2 किलोमीटर, और वहाँ मैं जाके बाईपास पकड़ूँगा। बाईपास से एक लोकल गाड़ी मिलता है जो आपको 100 रुपया में आपको गाड़ी खाना पहुंचा देगा, फिर गाड़ी खाना से आप पुलिस बाजार जाने का अगर मन है तो आप पुलिस बाजार जा सकते हैं वहाँ में भी। तो मैं निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट से बाय वॉकिंग 2 किलोमीटर वॉक करने के लिए। ये बैग भी है, लगेज भी है मेरे पास, पर कोई इशू नहीं है, मुझे वॉक करना पसंद है। आज थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भारी लगेज लेके रखा हुआ हूँ, लगभग 20 केजी के ऊपर में है दोनों मिला के, पर कोई इशू नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर मुझे वॉक चलते चलते। देखिए ये नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है ये एरिया, आप देख सकते हैं पूरा ब्यूटीफुली सेटअप किया गया है, पूरा टोटली ग्रीन है। आप ये एरिया भी देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना वो एरिया वगैरह सब दिख सकते, बहुत ब्यूटीफुल बनाया हुआ है सेटअप, यहाँ का बहुत अच्छा है पूरा ग्रीन। हे एवरीवन, फाइनली हम लोग शिलोंग उमरे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और आफ्टर दैट मैंने पहुंचने के बाद एक लोकल टैक्सी लिया मैंने यहां से। तो यहां से मैं मेन सिटी जा रहा हूं 150 रुपये में, और एक हाय। तो मेरा जर्नी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट था मैंने फ्लिपकार्ट से टिकट लिया था जिसमें मुझे 4400 का टिकट मुझे 3700 में मिला। उसके बाद मैंने शिलोंग उमरे एयरपोर्ट पहुंच गया, उमरे एयरपोर्ट से मैंने एक लोकल टैक्सी बुक किया जिसमें मुझे 150 रुपीज़ पड़ा, और तीसरे में और भी यहाँ में टूरिस्ट व्हीकल वगैरह होते हैं, अगर वो उस टूरिस्ट व्हीकल को आप अगर लेते हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 तक आपको पे करना पड़ता था पर हेड, और शेयरिंग में जाते तो 500 से 700 तक आपको पे करना पड़ता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये टूरिस्ट व्हीकल नहीं लेके इंस्टेड ऑफ लेके टूरिस्ट व्हीकल, तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं लोकल टैक्सी लेने के लिए। तो लोकल टैक्सी लेने के बाद मुझे यहाँ से लगभग आपका 150 में मैं अब सिटी पहुंच जाऊंगा, सिटी से फिर मैं अपने प्लेस जा सकता हूं जहां मुझे जाना है। यू कैन सी दिस, ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है मेरे नज़र में, और ये उमरे एयरपोर्ट से आप निकलने के आफ्टर 10 मिनट्स आपको ये नज़ारा देखने का मौका मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पर एक ढाबा भी दिख रहा है, आप ढाबा देख सकते हैं, ये एक ढाबा है, यहाँ पर आप अगर आके नॉन वेज खाना चाहते हैं तो आप नॉन वेज खा सकते हैं, और
वेज भी खाने के लिए अगर मन है तो वेज भी खा सकते हैं, रोटी वगैरह जो खाने का मन है आपको।